मार्था इंस्टीट्यूट द्वारा मदर टेरेसा के जन्म जयंती कार्यक्रम में त्याग एवं समर्पण का भाव देखने को मिला। देखिए खबरें विस्तार से। ममता एवं त्याग की परिमूर्ति नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा का 111वां जन्म जयंती कार्यक्रम आज बिनागुड़ी स्थित मिलन संघ क्लब के प्रांगण में मार्था इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित की गई थी। मदर टेरेसा के जन्म दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बिनागुड़ी पुलिस फाड़ी के ओसी केसंग लामा, स्थानीय पंचायत सदस्य अरुण कुमार राम, पंचायत समिति सदस्य एवं समाज सेवी पुकार लामा एवं ग्राम पंचायत प्रधान दीपक श्याम, समाज सेवी उमेश यादव, फखरुद्दीन अंसारी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मदर टेरेसा के जयंती समारोह के प्रारंभ में अतिथियों को खादा पहनाकर सम्मान दिया गया। यह विदित हो कि गणमान्य अतिथिगण जब उपस्थित थे, मदर टेरेसा के जयंती समारोह के प्रारंभ में ही अतिथियों को अंग वस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित करने के पश्चात दीप प्रज्वलित के जरिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई एवं समारोह में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें नेपाली, आदिवासी, हिंदी गीतों के कलाकारों ने काफ़ी सुंदर नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन मनीषा झा द्वारा किया गया। मदर टेरेसा के जन्म जयंती समारोह में मार्था संस्था द्वारा बिनागुड़ी चाय बगान की NMM एवं आशा कर्मियों को उनके द्वारा कोरोना महामारी के दौरान लोगों का सेवा पहुंचाने के लिए मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं बिनागुड़ी पुलिस फाड़ी के ओसी श्री केसंग लामा एवं महिला सिविक वॉलंटियर को भी मार्था संस्था की ओर से उत्कृष्ट सेवा हेतु मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के विषय में मार्था इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड सोसाइटी वेलफेयर के सेक्रेटरी जोयस विश्वकर्मा ने बताया, संस्था द्वारा मदर टेरेसा के त्याग, निस्वार्थ सेवा एवं परोकार का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आज रखा गया था। देखिए यह रिपोर्ट। विश्वास करते हैं आगे जिस तरह आज हम लोगों ने मदर टेरेसा जी का 111वां जयंती हमने यहाँ पे समारोह को मनाया, आज इसे पालन किया। मार्था इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी नॉन चैरिटेबल एंड प्रॉफिटेबल NGO बिनागुड़ी के बैनर तहत। अच्छा, आज मदर टेरेसा का जन्म जयंती आपकी अपनी संस्था के बैनर पर किया जी, तो इस जन्म जयंती को पालन करने के पीछे में क्या उद्देश्य और क्या संदेश देना था? उद्देश्य हमारा यही है कि जिस तरह मदर टेरेसा जी ने समाज की सेवा करने के लिए, मानवता की सेवा करने के लिए अपने आप अपने जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया और निस्वार्थ भावना से लोगों की, असहाय की, दीन दरिद्रों की, है ना, जो जिन्हें ज़रूरत थी उनको मदद किया, उन्हें बचाया। उनके बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए जो हम जानते हैं कि मदर टेरेसा ने हमारे लिए और इन भारतीय लोगों के लिए क्या काम किया, असहाय के लिए क्या काम किया, हम उन सभी चीज़ों को जानते हैं। वैसे ही इस कार्यक्रम से हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो भी आगे आए और लोगों की मदद करें, निस्वार्थ भावना से मानवता सेवा कार्य करें और इस समाज को अच्छा बनाने में, सुंदर बनाने के लिए, है ना, एक पहल कोशिश करें। और क्योंकि हम एक साथ जब मिल के काम करते हैं तो हम बहुत चीज़ों को हम बदल सकते हैं अपने तरीके से। अच्छा जोयस जी, आपने कोरोना काल में भी देखा गया कि बहुत लोगों के घरों में भोजन पहुँचाया जी जी, और आज ये मदर टेरेसा का उत्सव आपने बहुत भव्य रूप से मनाया। ओके, तो ऐसी प्रेरणाएं कहाँ से आती है आपको? जी, ऐसी प्रेरणाएं हम अक्सर देखते हैं। हम कभी कभार क्या हो जाते हैं, हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन जब हम
अकेले निश्चिंत रहते हैं, कभी घर में रहते या सोते हैं, तब हमें उन लोगों के बारे में स्मरण आता है। जब हम खाते हैं, हाँ, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, तब उन लोगों के बारे में स्मरण आता है जिनके पास नहीं है, हाँ, तब हमें ऐसा लगता है कि असहाय, गरीब, बीमार क्या खा रहे होंगे, क्या पहन रहे होंगे। तब हम ऐसे कुछ ना कुछ हम हमारी एनजीओ की ओर से हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे कार्यक्रम करते हैं जिससे हम लोगों की मदद कर सके, अवेयरनेस कर सके, उन्हें जागरूक कर सके। कोरोना काल में भी जब हम लोग देखे, वॉलंटियर्स लोगों ने बहुत मेहनत किया, खाना जाके डेली वेजेस लोगों को देना, जिनके काम नहीं उनको देना, एक महीना तक अपने पॉकेट मनी से इन लोगों ने लोगों को राशन देना, चावल देना, ये सब काम किया। इन लोगों का प्रेरणा हम लोग एक ही कि हम लोग यूनिटी, एकता है, हाँ, हम लोगों में कि हम एक दूसरे को समझते हैं, हाँ, हमें कुछ भी चाहिए होता हम एक दूसरे से बात करते हैं, उसके बाद में हम कुछ उसका विचार करते, फिर हम आगे कोई ऐसे कार्यक्रम की हम लोग ऐसा प्लानिंग करके उसे करते हैं हम लोग। अच्छा जोश जी, आपका जो एनजीओ चला रहे हैं जी, बहुत लोगों का सेवा करते हैं जी, ये सेवा के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? ये खासकर हम इसे डोनेशन उठाते हैं, जैसे ये प्रोग्राम किया हमने तो ये डोनेशन उठा के ही हमने घर घर बगान बगान अनुदान आपके कुछ हमें ऐसा कुछ नहीं आता है, हम लोगों से बाजारों से चंदा उठाते हैं, डोनेशन मांगते हैं, उसके बाद में हम कोई भी कार्य को करते हैं। तो किसी सरकारी संस्था को आपने ये डोनेशन वगैरह के लिए कभी जी अप्रोच मैंने किया? अप्रोच किया है पर उन्होंने साफ मना किया है, कभी हमसे हमारा ऐसा मदद सरकारी तौर से नहीं किया गया है। हमने प्रशासन को भी बोला है, बहुत बोला है, लेकिन कुछ अभी तक तो नहीं मिला है। लेकिन हम लोग करते हैं जितना हमसे हो पाता है, हम जितना डोनेशन कलेक्ट कर सकते हैं उतना करते हैं, और फिर करके हम लोग कुछ कार्यक्रम करते हैं। जोश जी, आज आपने बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम किया, मीडिया की तरफ से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।